वहीं पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में एक बदमाश ने दुकानदार से रंजिश के कारण पूरी दुकान में ही आग लगा दी। आग ऐसी फैली कि दुकान में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। घटना शनिवार रविवार की दरमियानी रात की है। दुकानदार ने पुरानी भिलाई पहुंचकर आगजनी की शिकायत दर्ज कराई। उमदा मिलन चौक भिलाई 3 निवासी कमलेश देवांगन ने आगजनी की शिकायत भिलाई 3 थाने में दर्ज कराई है। उसने बताया कि मिलन चौक के पास मोना मेडिकल के आगे लक्ष्मी मैरिज पैलेस रोड के दाहिने तरफ उसकी बिजली वायरिंग, इलेक्ट्रिक पार्ट्स व हार्डवेयर की दुकान है। 28 मई की रात 10 बजे वह रोज की तरह दुकान बंद कर अपने घर चला गया था। रात 1 बजे के करीब श्री संगम चौक निवासी राजू ठाकुर उर्फ जयलाल बाड़ी के पीछे के रास्ते से पहुंचा और दुकान में आग लगा दी। दुकान में आग लगा देख पास ही रहने वाले ने कमलेश को बताया कि तुम्हारे दुकान में आग लगी है। इसके बाद तुरंत 100 नंबर पर डायल कर जानकारी दी गई। आसपास के लोगों की मदद से बाल्टी बाल्टी पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग नहीं बुझी। इसके बाद मौके पर पहुंची भिलाई 3 पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलवाया और तब जाकर आग बुझ पाई। जब तक दमकल आग को बुझाती तब तक दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। दिनांक 29/5/2022 को कमलेश देवांगन निवासी उमदा मिलन चौक थाना पुरानी भिलाई के द्वारा सूचना दर्ज कराई गई कि उनके हार्डवेयर की दुकान है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी रखते हैं, वहाँ पर मतलब आग लग गई है। और आगजनी की सूचना पर मौके पर जाकर तस्दीक किए। उनकी जो शॉप है उसमें लगभग 7 लाख रुपए के आसपास के सामान जो है जल चुके थे। उसी दौरान फिर वहाँ पर तस्दीक किया गया। तस्दीक पे बातें सामने आई कि वो कांता चौक उमदा का ही एक व्यक्ति है, राजू ठाकुर उर्फ राजू सेन, पिता श्यामलाल सेन, उम्र 30 वर्ष, इसके द्वारा जो है उनके दुकान पे आग लगाई गई थी। सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा गया जहां पर उसकी उपस्थिति दिखाई दी। वह पूछने पर उसने अपने द्वारा जो है जुर्म करना स्वीकार किया है। तत्पश्चात उसे अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। आग लगने का क्या कारण सर को बताया आपकी ओर लाया गया? पिछले समय में उसके यहाँ जो उसके दुकान पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा था, जिसमें जिसको इसके द्वारा आरोपी के द्वारा क्षति करना बताया गया। वह उसके द्वारा पूर्व में शायद उसके साथ जो है उसको समझाया गया था, जिससे वो काफ़ी नाराज रहता था। ऐसा एक कारण स्पष्ट हो रहा है अभी तक की जांच में। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उस जेल भेज दिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।